जिन्होंने सिखाया कैसे उसूलों के साथ कारोबार किया जाता है, अपने लाभ को कल्याण के लिए लगाया जाता है। ऐसे महान रतन टाटा का जाना इतिहास के एक पन्ने का पलट जाना जैसा है। रतन टाटा के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा की परोपकार कार्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उनकी दरियादिली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था। रतन टाटा हर मुश्किल के वक्त देश के लोगों के साथ खड़े रहते थे, फिर चाहे वह 2004 की सुनामी हो या फिर कोरोना महामारी का प्रकोप। रतन टाटा अपने सामाजिक कार्यों के साथ आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों को भी आगे बढ़ाने में मदद करते थे। उनका ट्रस्ट मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता था। शायद यही कारण है कि रतन टाटा के निधन के बाद मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक नमन करता नजर आ रहा है। रतन टाटा ने पैसे तो कमाए, लेकिन देश के हितों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज हर व्यक्ति के दिल में भी जगह बनाई। रतन टाटा मशहूर उद्योगपतियों की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन उनकी देश के प्रति सेवा भाव उन व्यवसायों से अलग पहचान बनाता है। उनके निधन से हर वर्ग में शोक की लहर है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राजधानी जयपुर के निजी विद्यालयों में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया और उनके द्वारा किए गए सच्चे योगदान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी ली। He is the former chairman of Tata Sons, the holding company of the Tata Group, which is one of the India's largest and oldest conglomerates. His life story is one of the dedication, vision and leadership which has had a profound impact on the Indian business landscape. He completed his schooling in Mumbai at the Campion School and later at the Cathedral and John Cannon School. Rattan Tata went on to study at Cornell University in the United States, where he earned a degree in Architecture and Structural Engineering in 1962. Later, he attended the Advanced Management Program at Harvard Business School in 1975. Rattan Tata ke liye kaam ka matlab puja karna hai. उनका कहना है कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत थी कि उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना। वे अपनी सात कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी हर संभव मदद करते थे। खबर के अंत में हम दिग्गज अरबपति रतन टाटा की कही बात दोहराते हुए उन्हें सच्ची भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं।